डे 80 ऑफ 90 डेज। सो कल का वॉक खत्म हुआ, फिर हुआ यू घर जाने के बाद वर्कआउट कंप्लीट किया मैंने, आधे घंटे के अंदर पूरा वर्कआउट कंप्लीट हो गया, फिर डिनर किया और फिर दूध पी के सो गया था। राम राम दोस्तों, बज रहे हैं मॉर्निंग के 4:45 और मैं आ चुका हूँ अभी पीयूष के घर। अब चलते हैं रनिंग करने के लिए, मॉर्निंग रनिंग। सो लेट्स गो। कहाँ गया पीयूष भैया? पीयूष भैया, राम राम। ओ पीयूष भैया, आ रहे हैं पीयूष भैया, फिर चलते हैं रनिंग कंप्लीट करने। दोस्तों मॉर्निंग के बज रहे हैं 4:41, सॉरी 51। अब चलते हैं रनिंग के लिए। सो आज का टेम्परेचर पीयूष भैया बताएंगे कि आज का टेम्परेचर क्या है। आज का डिफरेंशियल अभी तो 40 डिग्री सेल्सियस चल रहा है और रात में 9 डिग्री तक चले गया था। वाह वाह वाह, देखो बलासर में भी डिग्री कम हो रहा है, नीचे जाने की ताकत ये है। तो 10 डिग्री के आसपास ही हो रहा है। हाँ ठंडी है दोस्तों, बचे रहो, सतर्क रहो, अगर जाड़ा लगे तो रजाई उड़े रहो, है कि नहीं भैया? सर्दी से बचे रहो, क्योंकि अगर सर्दी से नहीं बचोगे तो फिर भैया बेड़ पार होना मुश्किल है। सो लेट्स गो, विल स्टार्ट अवर रनिंग। तो दोस्तों मॉर्निंग का 10 किलोमीटर रनिंग हो चुकी कंप्लीट, जो कि बल्लाशा टू विसापुर थी, विसापुर टोल प्लाजा, उसके बाद से वहाँ से रिटर्न, टोल प्लाजा से थोड़ा आगे क्योंकि 5 किलोमीटर कम्प्लीट नहीं होते वहाँ से। सो 5 किलोमीटर कम्प्लीट मीन्स 5 5 10। उसके बाद अभी जा रहे हैं, फ्रेश होते हैं और फिर मेडिटेशन करेंगे वैशाली स्क्वायर में। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं अपना मेडिटेशन, उसके बाद करेंगे पुलअप्स। सो आपके सामने खड़ा है हैंडसम लौंडा। अब करते हैं पुलअप्स, जैसे कि पीयूष कर ही रहा है मेरे पीछे पुलअप्स, पट से पुलअप्स करते हैं और फिर वेट शेड हो चुका है हमारा। वर्कआउट कंप्लीट हो गया था, घर आ रहा था। सो एक ट्रक थी वहां पर आईचर, उसके ऊपर काली पीली काली सफेद की एक बिल्ला था, चढ़ तो गया लेकिन उतर नहीं पा रहा था। सो उसको मैं अभी उतारा नीचे, फिर अब चलते हैं घर और ब्लॉग एडिट करते हैं और फिर अपलोड भी कर देंगे, क्योंकि शाम में समय तो मिल नहीं से रहा, क्योंकि बस भी लेट हो थी कल 3.5 घंटा लेट, सॉरी 3 घंटे बाद फिर हमने ऑटो लिए कि अब आएगी अब आएगी अब आएगी, रुकी नहीं बस इसीलिए। फिर घर गया, अपना ब्लॉग एडिट किया और उससे फिर अपलोड कर दिया। उसके बाद बढ़िया फ्रेश होके पूजा पाठ करके नाश्ता फिर किया, उसके बाद अब चलते हैं क्लास और बस से चलते हैं, देखते हैं। बस का बड़ा इशू रहता है क्योंकि लास्ट यस्टरडे बस का काफ़ी भयानक सीन था, क्योंकि 3.5 घंटा रुका फिर भी बस नहीं मिली। उसके बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट था, मीटिंग वगैरह थी, उसके इसीलिए फिर ऑटो से आ गया मैं। अब बस का पास है तो पैसे बर्बाद थोड़े ना करने हैं। तो पहुँच चुके हैं बस स्टैंड, बल्लारपुर का बस स्टैंड, अब चलते हैं। बस का वेट करना पड़ेगा शायद से, अगर बस लग, अरे बस जा रही, शायद कहाँ जा रही है, हैदराबाद की है तो ये ले जाएगी। चलो भैया, ये रहा बैक एरिया, बस स्टैंड का बैक एरिया जहाँ से बस एग्जिट लेती है। A few inches later. यह बस चंद्रपुर के लिए, इसी से जाएंगे, इसी से रुकेगी, यही रोकेगी, यही से जाएंगे, क्योंकि हम में हो जाता है लेट हमेशा। काम बनते दादा, राम राम। कुड़ा चंद्रपुर चला, बस निपन जाता था चंद्रपुर। चलो चंद्रपुर चलते हैं, इस कॉलेज जाना है ना, लेट्स गो। अरे भीड़ बहुत है बस में, ठीक है दूसरी बस ले लीजिए, दूसरी बस आ गई थी, इसमें जगह काफ़ी अच्छी थी, ये छोड़ भी देगी हमें जुड़ना फाटा, लेट्स गो, इसी से जाएंगे। चलो 2 hours later. सो दोस्तों क्लास की हो चुकी छुट्टी, अब करते हैं वेट का बस, सॉरी बस का वेट करते हैं और फिर चलेंगे बल्लाशाह। वेट कर रहा हूँ कि कब तक आएगी बस,
फिर चलते हैं बल्लाशाह। ब्लॉग तो एडिट हो चुका है, उसको मैंने आज अपलोड कर दिया 9 बजे ही, क्योंकि कल कर दिया जाए थोड़ा टाइम भी चेंज कर लेंगे, अगर जल्दी हो जाता तो जल्दी कर लेंगे। लेट्स सी कब आती है बस, फिर चलते हैं। ये भी चली गई, एक बस नहीं रुक रही सर, अंकल तो बढ़िया दी भाई उनको। एक बस नहीं रुकती यार, रुकना चाहिए यार, ऐसा क्यों करते क्या समझ नहीं आता। मिली, अब चलते हैं अंदर, चला ना, चल 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 चल। ये बस मिल चुकी है काफी मशक्कत के बाद, लेट्स गो। कॉलेज से छुट्टी तो बस का काफी वांदा था, बस तो मिल नहीं रही थी, फिर एक फल मानुष ड्राइवर ने रोक दिया बस, उसके बदौलत फिर हम घर आ गए। घर आने के बाद वैसे ब्लॉग तो मेरा अपलोड होके एडिट होके अपलोड हो चुका था, सो फिर कोई टेंशन नहीं था, रिलैक्स था। फिर थोड़ा खाना खाते वक्त थोड़ा सीरीज़ देख लिया, मिनी सीरीज़, फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट हुआ, फिर बच्चे आए, बच्चे पढ़ाया, उनका भी ट्यूशन है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी भी एग्ज़ाम अहेड है। देखो अंकल पतंग उड़ा रहे हैं, फिर अब उनका एग्ज़ाम भी इंपॉर्टेंट ना, सो भी ध्यान रखते हुए उनका सिलेबस, तो फिर उन्हें ट्यूशन पढ़ाया, उसके बाद फिर अभी निकले हैं ढोल पथक के प्रैक्टिस के लिए। जो हमारा इवेंट होने वाला है वो होने वाला है काफ़ी भव्य प्रदर्शन, मींस बड़ा, सो उसके प्रिपरेशन के लिए हमें अपने ढोल वगैरह सब टाइट करने होंगे। सो अभी आ गया हूँ मैं शिशिर के पीयूष घर, पीयूष हो रहा है रेडी, सो फिर चलते हैं प्रैक्टिस के लिए। चुके हैं ढोल पथक के प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आज हमारा ढोल पथक में रहेगा मेंटेनेंस डे, सो वी हैव टू मेंटेन अवर ढोल, जे काही झालेला असेल ढोलबद्दल ते सगळं आम्हाला आज बनवायचं आहे पूर्ण। लेट्स गो, वी हॅव टू डू बाय अवर सेल्फ अँड वी आर नूब, सो वी हॅव टू टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स, सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू हेल्प, बिकॉज विदाउट half knowledge is also a crime, so we have to be or get knowledge from others, so let's go, bane rahiye mere saath। Had reached here, everyone is doing maintaining their ढोल। ये यहाँ हम पहुँच चुके हैं, तो चालू है हमारे पथक में ढोल मेंटेनेंस, टुडे इज द मेंटेनेंस डे, सो एवरीवन इज डूइंग देयर वर्क, समवन इज डूइंग लाइक दिस, इसको कहते हैं ढोल टाइट करना, लाइक दिस, सी व्हाट ही इज डूइंग। ये रहे हमारे दादा, यहाँ है शुभम दादा, एवरीवन इज डूइंग देयर वर्क, वो रहा मेरा ढोल, हम वहाँ पर अभी काम करेंगे, आधा मैंने ढोल दिया अब तक, फिर करेंगे काम अपना। काम बनते स्वपी दादा, बिजी, ही इज बिजी पर्सन नाउ, विल मीट हिम लेटर। मेरा ढोल हो चुका है डन, मेंटेन हो चुका है ड्यू टू सॉरी विद द हेल्प ऑफ गौरव एंड वेदांत, सो लेट्स मीट, आई विल शो यू हु इज देयर, हु आर देयर। हाँ ये है, ये रहा हमारा गौरव, सॉरी वेदांत, सो ये मेरी हेल्प किया टू मेक टू मेंटेन माय ढोल। गौरव कहाँ है, वेर इज गौरव, आई विल शो यू गौरव हु इज गौरव। गौरव वेर आर यू गौरव, हेलो, सो ही इज गौरव, yeah he is handsome boy, handsome hunk, so he helped me, so hamara dhol maintain ho chuka hai, sorry hamara nahi mera, piyush ne dhol to nahi liya, wo kya kehte hai jabram hati aayega, jabriya hati aayega wo, so kisi ka hai nahi mane, to maine uska pehle hi ye kiya tha maintain, mere haath se phata tha dhol, phut gaya tha, so uska maintain kiya, to wo maine rakh liya, so wo mera ho chuka hai,
ऐसा परमानेंट ले, लेकिन जब तक मैं बजाऊंगा तब तक। सो फिर अब वो सब होने के बाद अब चलते हैं घर, मेंटेन हो चुका है, घर नहीं जाएंगे, सो एसएल स्क्वायर करते हैं पुलअप्स, फिर जाएंगे घर, करेंगे पुशअप्स, बैग उठा के सीधा लाइब्रेरी। सो लेट्स गो। A few moments later. जैसे कि आपके सामने ये खून पड़ा है, ये खून है एक टॉमी के पिल्ले का जो रोड के गाड़ी के नीचे आ गया था। सो सारे ड्राइवरों से ये मेरा निवेदन है, अपने गाड़ी बराबर चलाएं, कुत्ते को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वे विंटर सीज़न है, विंटर सीज़न में काफ़ी बच्चे, काफ़ी डॉग्स, स्ट्रीट डॉग बच्चे देते हैं। सो उनका ध्यान रखना हमारा भी फर्ज है। सो कुत्ते को, फिर मैं बच्चे को, पपी को लेकर गया, फिर उठाया साइड में करने के बजाय उसमें मैं फिर जंगल छोड़ आया, ताकि लोगों को भी दिक्कत होती ना, फिर वो कहेंगे कि अरे मेरे घर के सामने क्यों डाल दिए, अरे मेरे घर के सामने क्यों डाल दिए। ये सब वाद विवाद से अच्छा है मैं और पीयूष उठा के उसे बन्नी में रख के जंगल छोड़ आया सीधा। एज अ गुड सिटीजन वी हैड डन दिस। और मॉर्निंग में भी बिल्ली के बच्चे को उतारा हूँ ट्रक से जो ऊपर चढ़ गई थी। सो चलो ठीक है, अच्छा ही हुआ। फिर बाइक दे दिया घर पे, पापा को जाना ड्यूटी, सो अब चलते हैं। फैट बाइक मैंने ले लिया है, पीयूष ने भी अपनी साइकिल का पंचर रिपेयर करवा लिया है। जाकर हमें करना है प्रिपरेशन, प्रैक्टिस ऑफ नुक्कड़ नाटक। सो जो जो मेरा ब्लॉग देख रहा है आज का, अगर समय मिले तो मैं बताऊंगा कि कहाँ जाना है, नुक्कड़ नाटक देखने आना है। सो सबको आइएगा देखने, नुक्कड़ नाटक काफ़ी अच्छा नुक्कड़ नाटक होने वाला है। सो बने रहिए। 2 hours later. 9:40 PM. पीयूष को छोड़ दिया उससे घर, वो चला गया अपने घर और मैं जा रहा हूँ अब मेरे घर। सो लाइब्रेरी में हुआ यू कि हम प्रैक्टिस किए, प्रैक्टिस इज गोइंग स्मूथली। एंड फिर उसके बाद मेरा स्टडी कोर्स मटेरियल जो था वो सब रिवाइज करना ज़रूरी है, टू मेमोराइज एवरीथिंग, योर कॉन्सेप्ट, योर चैप्टर, ये सब कम्प्लीट हुआ। सो अब चलते हैं घर। सो ब्लॉग करते हैं यहीं एंड, और मिलते हैं न्यू डे विथ न्यू ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी। मिलते हैं न्यू डे विथ न्यू ब्लॉग, टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ।